हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ आशा के बारे में। एक एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक इम्पॉर्टेंट कड़ी जो कि हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपका मेरी चैनल SMCI नेक्स्ट पे स्वागत है। शुरू करते हैं आशा के फंक्शंस, और उसके पहले आशा जो है वो किसको जो है हम बना सकते हैं। तो प्रिफर्ड होता है कि एक वुमन जो कि मैरिड हो, या तो विडो हो या तो फिर डाइवोर्स्ड हो, जिस किसी भी एरिया के अंदर बनाना है वो उस एरिया की वहाँ की रेसिडेंट हो, उसकी उम्र जो है वो 25 से लेके 45 एज ग्रुप के बीच में हो, और उसने जो है वो एटलीस्ट 8 स्टैंडर्ड तक की जो है वो पढ़ाई की हो, एंड उसके पास कम्युनिकेशन स्किल एंड लिटिल बिट लीडरशिप क्वालिटीज़ भी जो है वो हो। और विलेज के अंदर जो है वो हम ऐसे 1000 पॉपुलेशन पे, अर्बन के अंदर अप टू 2500, और अगर हिली एरियाज जो है तो वहाँ पे लेस पॉपुलेशन के अंदर भी आशा को जो है हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएटिंग द अवेयरनेस। जितने भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब के लिए जो है वो लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना। दूसरी जो है वो है RMNCH+ है, या तो हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड, मदर को जो है वो बर्थ प्रिपेयर्डनेस कि आपको डिलीवरी कैसे करानी है, कहाँ पे करानी है, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, बच्चे को पैदा होने के बाद 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, उसको वैक्सीनेशन भी कराना है, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इन सब के लिए जो है वो उनका काउंसलिंग करना प्रॉपरली। तीसरा कंपोनेंट जो है वो मोबिलाइज करना, मतलब कि उनको हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो उनको जो है वो नज़दीकी आंगनवाड़ी, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे लेके जाना, उनका एंटीनेटल चेकअप जो है वो एश्योर करना, और अगर उसके रिगार्डिंग उसको किसी भी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है तो अगर उनको हायर सेंटर पे भी जाना है तो उनको लेके जाना, उनको मोबिलाइज करना। चौथा जो फंक्शन जो है वो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के साथ मिलके काम करते हैं, और जो भी सैनिटेशन प्रोग्राम है उनको रन करने के लिए एस्कॉर्ट एंड एकम्पनिंग द प्रेग्नेंट वुमन एंड चाइल्ड रिक्वायरिंग द ट्रीटमेंट। अगर मदर या बेबी को किसी भी तरीके का डिजीज हो चुका है तो उनको एस्कॉर्ट करना। अब एस्कॉर्ट करने के लिए जो है वो उनको नज़दीकी PHC या फिर फर्स्ट रेफर यूनिट CHC, या तो अगर मेडिकल कॉलेज वगैरह है वहाँ पर भी वो लेके वो जा सकते हैं, और अगर माइनर इलनेस है तो मेडिकल केयर प्रोवाइड करना भी आशा को सिखाया जाता है, जिसमें कॉमन डिजीजेस जैसे कि है डायरिया है, फीवर है, या फिर TB रिलेटेड जो डॉट्स ट्रीटमेंट भी देते हैं उनके अंदर भी हम आशा का जो है वो यूटिलाइजेशन करते हैं, माइनर इंजरीज, तो इन सब के लिए भी जो है उनको प्रॉपर से ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता है। आशा को एक डब्बा दिया जाता है जिसके अंदर जो भी सारी एसेंशियल मेडिसिंस वगैरह जो है, जैसे कि ORS पैकेट्स है, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स है, या डिलीवरी किट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह एंड अदर मैथ वगैरह भी जो है उसके अंदर रहते हैं, जो कि उस एरिया की वीमेन वगैरह को प्रोवाइड करवाना। जिस एरिया के अंदर जो भी बर्थ हुआ है, डेथ हुआ है, या अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ पे कहीं पे भी डिटेक्ट हुई है तो उसको इन्फॉर्म करना। तो एक आशा जो है वो एक PHC के साथ और उसके साथ अफिलिएटेड तो होती ही है, तो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर जो है वो इनको इन्फॉर्म कर सकती है। सैनिटेशन प्रमोशन है, एंड जितने भी आशा है उनका रोल ये है, उससे भी ज़्यादा एनहांस हम कर सकते हैं उसको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग देने के बाद, मतलब कि न्यूबॉर्न केयर है, जैसे कि HBNC है, HBYC है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो आशा का यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। उसके जो दो आंगनवाड़ी के साथ मिलके और ANM से मिलके भी उसके कुछ रोल्स है, जैसे कि आंगनवाड़ी के साथ मिलके वो हेल्थ डे का ऑर्गेनाइजेशन करना, वहाँ पे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ करना, जिसके अंदर वुमन को जो न्यूट्रिशन वगैरह का जो नॉलेज दिया जाता है उसमें आशा पार्टिसिपेट करती है, वुमन को मोबिलाइज करने में हेल्प करती है, एंड जो भी उसके पास ड्रग का डब्बा है उसकी ड्रग फिलिंग, मतलब वो आंगनवाड़ी से भी ले सकती है या तो फिर नज़दीकी PHC से भी वो ड्रग्स जो है वो ले सकती है, और बेनिफिशियरी का जो भी विमेन चाइल्ड का है उसका लिस्ट अपग्रेडेशन, एंड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन को आंगनवाड़ी पे भी मोबिलाइज करने के लिए जो है वो आशा का हेल्प जो है वो कर सकती है।
ANM जो है वो आशा को प्रॉपरली गाइड करने में हेल्प करती है। ANM के साथ आशा की ऑलमोस्ट वीकली या फोर्टनाइटली मीटिंग होती है। ANM उसको ट्रेनिंग देती है एंड जो भी आउटरीच सेशन ऑर्गेनाइज करने होते हैं, खास करके कहीं पे भी इम्यूनाइजेशन सेशन ऑर्गेनाइज करना है तो वहाँ पे आशा जो है वो पहले से एक प्रॉपरली बेनिफिशियरीज का लिस्ट तैयार करती है, तो उस हिसाब से जो है वो ड्रग्स के डोजेज या फिर वैक्सीन के डोजेज जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड वो आशा को जो है वो वार्निंग साइंस अबाउट प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें हैं जो नए कोई भी प्रोग्राम आते हैं तो उसके रिगार्डिंग ANM जो है वो आशा को डायरेक्टली फैसिलिटेट जो है वो कर सकती है। सो ये है सारे आशा के फंक्शंस एंड उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द फंक्शंस। थैंक्स फॉर लिसनिंग।